कहते हैं हौसला बुलंद हो और कुछ कर गुजरने की चाहत हो तो आपकी परवाज को कोई नहीं रोक सकता। आज हम आपको ऐसे ही एक शख्स की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो अपनी जिंदगी की जंग में इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी मैदान में डटा है। ये हैं अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार सोशल मीडिया पर आजकल खूब वायरल हो रहे हैं। अश्विनी कुमार धर्मशाला में फल बेचने का काम करते हैं। उनका 70% शरीर अपंग है, बावजूद इसके उन्होंने मेहनत से पैसा कमाने को ही जरिया बनाया। सब ठीक ठाक है ना? आप पहले वहाँ बैठते ना, मैंने देखा है। आजकल यहाँ आ गया। काम नहीं है हमारे। काम नहीं है? नहीं। अच्छा, ये क्या बेच रहे हो आप? ऑरेंज। ऑरेंज संतरा। पाँच साल से? नहीं, बहुत पहले से कर रहे हैं। काम गयो भीख मांगना। भीख नहीं मांगने? नहीं, मेहनत करके कमाना। खबर है कि अश्विनी रोजाना कोतवाली बाजार धर्मशाला से मैक्लोडगंज फल बेचने के लिए जाते हैं। अश्विनी कुमार कीट आर्मी की जॉब करते थे, जो रिटायर्ड होने के बाद घर पर हैं। अश्विनी के घर में उनके माता पिता, पत्नी और 3 बहनें हैं। बहनों की शादियां हो चुकी हैं, जबकि पत्नी की मानसिक हालत ज्यादा ठीक नहीं है। इसके साथ ही उनकी एक 4 साल की बेटी भी है। इन्हीं सभी के लिए अश्विनी हर रोज मेहनत करके अपने परिवार का गुजर बसर चलाते हैं। उनके इस मेहनत और लगन से मैक्लोडगंज के लोग भी वाकिफ हैं और उनके काम की खूब तारीफ करते हैं। हम इसको काफी टाइम से यहाँ पर देख रहे हैं और जो मैक्सिमम यहाँ पर ही अपना ये लगाते हैं दुकान, और जो भी इनका घर का जो उनका परिवार का खर्चा है यही चला रहे हैं। हम देखते रहते हैं इसको, और किसी के आगे इसने कभी हाथ नहीं फैलाया और किसी को मदद के लिए नहीं बोला, और अपने ही बलबूते पे ये काम कर रहा है और अपना घर चला रहा है, तो किसी हेल्प भी नहीं मांगता। जो क्लियर बात है, स्थानीय लोगों का भी दावा है कि आज तक अश्विनी कुमार ने किसी के आगे हाथ तक नहीं फैलाया। उनके इस हौसले और मेहनत पर भी उनके परिवार वालों को गर्व महसूस होता है। वो अपने पैरों पे बस खड़ा होना चाहता है, कहता कि मैं भीख नहीं मांगूंगा और मैं अपनी मेहनत करूंगा, अपने दम पे भी अपनी कमाई करूंगा और उससे अपने बीवी बच्चों का पूरा मतलब प्रोग्राम बच्चों के और बीवी के लिए कर रहा है। वो अपने मतलब लगभग वो अपने हाथ से अपना खाना नहीं खा सकता है, मतलब खाना खाएगा तो जैसे फोल्ड कर देगा उसको कोई, तब खाएगा, और या तो फिर उसको मतलब चमचे से डुगे बर्तन में देंगे तब खा पाएगा। रोज सुबह आप भी पैकिंग करते हैं, उसके साथ मदद करते हैं? हाँ जी। तभी और कौन है आपकी फैमिली में? बेटी है? हाँ। कितनी, क्या नाम है बेटी का? बानी। कि मैं मेहनत करूं मैं, और आप लोगों के ऊपर मैं डिपेंड रहूं, कि कब तक है नहीं है, तो मैं अपना खुद अपना कमाऊं खाऊं और अपनी मेहनत से बाल बच्चों को पालूं। 8 साल से ऊपर हो गए सर जी। तो कभी आपसे इसने मदद मांगी कि पापा मुझे पैसे दे दो या मैं? ना, कभी नहीं। बताया जा रहा है कि उनकी एक दुकान भी है, लेकिन उसमें सही से काम नहीं करने के चलते अश्विनी कुमार फल बेचने का काम करते हैं। उनके इस कामकाज में उनके पिता भी उनकी मदद करते हैं। ऐसे में समाचार फर्स्ट ने भी अपना कर्तव्य समझा और युवक को अपने स्तर पर पाठकों और लोगों से मदद दिलवाने का बीड़ा उठाया। मैं चाहता हूं कि जिस तरह हमने हमारी हैसियत के हिसाब से जितनी मदद हम कर सकते थे उतनी हमने की, लेकिन आप लोग भी अगर इस तरह का कोई व्यक्ति देखते हैं जो इस हालत में भी जो है वे काम कर रहा है, इस हालत में भी जो है लोगों को बता रहा है कि मैं बेशक हैंडीकैप हूं लेकिन मेरे में हौसला है, मेरा हौसला बुलंद है, मैं अपने परिवार का पालन पोषण इस हालत में भी कर सकता हूं, तो ये लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक स्टोरी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो हैं इसको शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ऐसी स्टोरी से जो है जो अन्य लोग हैं उन्हें भी प्रेरणा मिलती है और अन्य लोग भी जागरूक होते हैं। समाचार फर्स्ट ने बाकायदा युवक के घर जाकर उनसे मुलाकात की। इस वीडियो के आखिर में आप सभी से यही निवेदन रहेगा कि अश्विनी और
इनके जैसे मेहनत करने वालों की जरूर कुछ न कुछ मदद जरूर करे। इनका घर धर्मशाला के कोतवाली बाजार में स्थित है। रहे उनके हौसले और मेहनत की बात, तो ये उनके लिए एक बड़ा संदेश है जो पैसा कमाने के एवज में कई गलत धंधे और गलत रास्ते को चुनते हैं। मृत्युंजय पुरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार फर्स्ट।